बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग्स इन फ्री फायर। Stop it. Get some help. तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि इसका पार्ट टू भी जरूर आएगा, तो भाई फाइनली इसका पार्ट टू भी मैं ले आ रहा हूँ, क्योंकि जो मैं नहीं बोलता वो मैं करता हूँ और जो मैं करता हूँ वो मैं नहीं बोलता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि तुम किसी भी यूट्यूबर की सेंसी कॉपी कर लेते हो भाई ये सोच के कि तुम हेडशॉट मारोगे, बट भाई इन रियलिटी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है। भाई मेरे फर्स्ट पार्ट का मोटिव था कि तुम्हें भाई जो कलयुग के वापी यूट्यूबर है उनसे बचाना, क्योंकि भाई तुम उनकी सेंसी कॉपी करते हो और फिर मेरी वीडियो में कमेंट करते हो कि भाई मेरे हेडशॉट नहीं लगते, भाई अपनी सेंसिटिविटी बताओ। भाई अगर मैं अपनी सेंसिटिविटी तुम्हें बता भी दूँ तो इससे तुम्हारे क्या हेडशॉट लगेंगे? तो सिंपली इसका आंसर है नहीं भाई, क्योंकि वो मेरी डिवाइस की सेंसिटिविटी है ना भाई, इस बात को समझे तुम। हर एक डिवाइस की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, एक डिवाइस का सेंसिटिविटी क्राइटेरिया अलग होता है, दूसरे डिवाइस का अलग होता है। इसका मतलब भी कि मिनिमम इतनी सेंसी रखोगे तब तुम्हारे हेडशॉट जाएंगे, मैक्सिमम में इतना रिकॉइल होगा, तो वो हर डिवाइस का भाई अलग रहता है। मेरा 12 GB रैम है तो ऑफकोर्स मेरी डिवाइस में हाई सेंसी पहले से होगी, अगर मैं डीपीआई लगा तो ओवर हो जाएगी तो इससे मेरे हेडशॉट नहीं जाएंगे। और अगर कोई 3 GB रैम है 4 GB रैम वाली सेंसी कॉपी करेगा मेरी तो उसको कोई उतना फ़र्क मिलेगा नहीं, बताने को मैं बता दूँ ऑल 100 है मेरा, तो भाई उससे सामने वाले का हेड नहीं जाएगा ना, क्योंकि उसके डिवाइस की सेंसी और रैम दोनों अलग है। तो भाई आज की वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हें अपने डिवाइस की परफेक्ट सेंसी तुम्हें कैसे मिलेगी, मतलब तुम कैसे ढूंढ सकते हो। इतनी खुशी तो भाई देखो हमें ना कुछ ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे तुम्हारा और मेरा सेंसी एकदम मैच हो सके, समझ रहे हो, तुम्हारा और मेरा सेंसी एकदम सेम काम कर सके। तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारा गेम ओपन करना है, जैसे भी तुम फ्री फायर मैक्स इसमें भी खेलते हो उसको ओपन करना है सिंपली, और जो सेंसिटिविटी है उसको 100 करके स्टार्ट कर देना और ट्रेनिंग में आ जाना। तो जैसे ही तुम लोग ट्रेनिंग में आओगे उसके बाद तुम्हें सिंपली भाई कुछ नहीं करना है, जस्ट M18 लेना है, Death Eagle उठाना है बस, और भाई जो फायर बटन साइज है उसको उतना ही रखना है 55 या 40, फिर भाई हेड मारना स्टार्ट कर देना है। भाई देखो मेरा परफेक्ट सेंसी है तो मेरा ऑलमोस्ट हलवोरी हेड ही जाता है, बाकी रिकॉयल होता है सीधे हेड जाता है, बॉडी बहुत रेयर लगता है ठीक है। तो ऐसे भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इस पर और देख ही सकते हो भाई कैसा हेड हेड जा रहा है। तो ये मेरी सेंसी है ठीक है, परफेक्ट मेरे फ़ोन के लिए परफेक्ट बैठी है और DPI इसमें मैंने लगाई है 441, तो इसमें मेरी ईजी हेड जा रही। तो तुम्हें मेरी सेंसी से मैच कैसे करना है वो डायरेक्ट वो बताता हूँ ठीक है तुम्हें मैं, ताकि तुम्हारी भी ऐसी हेड जा पाए सिंपली ईजी। तो तुम्हें क्या करना है, जो क्रॉस ईयर है उसको एनिमी के सर के ऊपर रखना है सामने ठीक है, और जो फ़ोन के कॉर्नर है पूरे कॉर्नर से ऐसे करके घुमाना है स्क्रीन को, एक रोटेशन दो रोटेशन हो गए, ये हो गए इधर 3 रोटेशन ठीक है, 4 रोटेशन पूरा देखना है गाइस, ये 5वां रोटेशन आया और ये आ गया 6 रोटेशन और मेरी हाथ की अंगली उधर से वहाँ तक पहुँच गई, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये 6 रोटेशन हो गए। तो तुम्हें ऐसी सिंपली मैच करनी है ठीक है, मेरी जैसी सेंसी तुम्हारी भी हो जाएगी। अगर तुम्हारे 6 से कम रोटेशन आ रहे हैं तो भाई तुम्हें थोड़ी सेंसी अपनी बढ़ानी है, DPI को जो है वो बढ़ा लेना है, जनरल को 100 कर देना है, 6 रोटेशन ही होनी चाहिए टोटल समझ लो, मतलब राइट से लेकर लेफ्ट तक पूरे 6 रोटेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस पे जो है बेस्ट हेड जाते हैं, ये मेरा देख ही सकते हो भाई, ऑलमोस्ट ऑल गुली हेड जाती भाई, कभी कभी रेयर बॉडी लगता है बाकी सब हेड जाते हैं। तो ऐसे तुम तुम्हारी डिवाइस की परफेक्ट सेंसी ढूंढ सकते हो, 6 या 7 रोटेशन होने चाहिए, इससे ज़्यादा में रिकॉइल करेगा। और भाई अगर किसी को रोटेशन वाला कुछ समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन चेक कर देना, उधर मैं हैंड कैम डाल दूंगा सेकंड चैनल खुद को आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई मेन मोटिव वीडियो का यही कंक्लूजन है गाइस, यही बताना चाहता हूँ कि अपनी सेंसी तुम खुद ही ढूंढो, किसी और की कॉपी मत करो। जैसे मैंने तुम्हें बताया ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर तुम अपनी सेंसी कुछ चेक कर सकते हो और बाकी कस्टम रूम में आके उसको तुम अप्लाई भी कर सकते हो, कम ज़्यादा करते रहना सेंसी, और ये सेंसी ना हर अपडेट के बाद चेंज होती है ऐसी वाली, कभी 6 रोटेशन आते हैं कभी 5, तो हर अपडेट के बाद इसको चेक करना, मोर देन 6 रोटेशन होनी चाहिए और 7 के बीच में, 6 या 7 रोटेशन बेस्ट है, इनके बीच में अच्छे हेड जाते हैं, जंप शॉट क्राउच शॉट जो भी मारो अच्छे जाते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। और बाकी फायर बटन भी 50 या 40 के बीच में रखना, 60 या 40 के बीच में भी रख सकते हो, बट मैं जो फायर बटन यूज़ करता हूँ वो है 40 और 55, तो इन दोनों में मैं स्विच करते रहता हूँ। बहुत बंदे पूछते हैं भाई फायर बटन साइज क्या, तो तब बताया, ये देखो गाइस इसमें जो है मेरा 40 फायर बटन साइज है ठीक है, और बाकी मैं जब भी खेलता हूँ हेड नहीं जाते तो 55 ट्राई कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और अपनी परफेक्ट सेंसी को ढूंढ सकते हो। एंड गाइस जो DPI की तुम चेंज कर सकते हो अपनी, मतलब स्विच कर सकते हो DPI, वो है 420 से लेकर 666 लेकर, मतलब ठीक है बोल दिया मैंने,
मतलब भाई 420 से लेकर 666 के बीच में तुम DPI ढूंढ सकते हो अपनी। इसके बीच में वेस्ट होती है भाई, इससे तुम ज़्यादा करोगे खाली मूवमेंट बढ़ेगी, एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी क्योंकि बहुत सेंसी बढ़ेगी तो रिकॉल बढ़ जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लेना। बाय बाय, टाटा, सी यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।